वह लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर थोड़ी देर में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, मुख्यमंत्री आवास के सभाकक्ष में होगी बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिलेगी हरी झंडी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, मुख्यमंत्री आवास कक्ष में होगी यह बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिलेगी हरी झंडी। इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे, क्योंकि बजट सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में कई प्रस्ताव देखने को मिलेंगे बजट सत्र के दौरान, जिन्हें पास किया जा सकता है। और ऐसे में कैबिनेट की बैठक अहम महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर इस कैबिनेट बैठक में किन किन प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। अधिक जानकारी के साथ घनश्याम चौरसिया जुड़ गए हमारे सहयोगी लखनऊ से। घनश्याम, कैबिनेट की बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है? देखिए दीपक, आज जो है बजट पेश होगा सदन में और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे। और उससे पहले बजट के पहले बजट प्रस्ताव पे कैबिनेट बैठक होती है और उससे बजट प्रस्ताव पे कैबिनेट आज 9 बजे से शुरू हो गया है। 15 मिनट का वक्त बीत चुका है और इस बजट को अंतिम रूप दे करके जब कैबिनेट पटल पे जाता है तो पहले बजट प्रस्ताव पास होता है, वो कैबिनेट का एक हिस्सा होता है। और उसी कैबिनेट के हिस्से के तहत आज 9 बजे से मुख्यमंत्री के पार्क कालिदास आवास पे ये बैठक आहूत की गई है। 9 बजे से शुरू हो गया है ये बैठक और इसके बाद सीधे वित्त मंत्री निकलेंगे, पूजा पाठ करेंगे और पूजा पाठ करने के बाद वो सदन पहुंचेंगे। और सदन में आज इस बार का और अब तक का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बजट पटल पे रखा जाना है। बजट पे बजट पास होगा, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्ताव बनाया गया है इस बार। इसके पहले 6.9 लाख करोड़ रुपए का ही ऐतिहासिक बजट पेश किया गया था, जो सबसे अधिक था। अपना ही रिकॉर्ड योगी सरकार इस बार तोड़ने जा रही है और लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार जो है पेश होगा सदन में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो आज मौजूद रहेंगे और आज सदन की कार्यवाही जो है 11 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मुख्यमंत्री के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लेंगे और चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के पीछे जो पोर्टिको है वहां पे आएंगे। वहां पे पोर्टिको पे मुख्यमंत्री भी रहेंगे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा कैबिनेट के जो भी साथी हैं, योगी सरकार की जो टीम है वो वहां पे रहेगी। और उसके बाद वहां पे फोटो सेशन होने के बाद सीधे विधानसभा सत्र के अंदर लिए अंदर पहुंचेंगे। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज जो है पटल पे सबके समक्ष बजट 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखेंगे। और यानी आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है इस कैबिनेट के लिए भी और आज बजट के लिए भी। इससे अगर बात करें तो जो कई बजट में जो है इस बार जो पर्यटन स्थल के विकास को लेकर के है, धार्मिक पर्यटन के विकास को लेकर के इस बार जो है, जो पिछली बार कुछ जैसे नैमिषारण्य था, सीतापुर का नैमिषारण्य को विकसित करने को लेकर के था, अयोध्या काशी था, गोरखपुर था, ऐसे में जो धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है उस पर्यटन क्षेत्र में दूसरी बड़ी किस्त जारी करने का प्रावधान दिया जा सकता है। यानी जो धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है उन धार्मिक पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार इस बजट में पटल से प्रस्ताव रख सकती है। इसके अलावा जो आपने देखा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जब अयोध्या के दौरे पर थे तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि करोड़ों लोग, करोड़ों महिलाएं लखपति दीदी बने, लखपति बने, उनकी जो इच्छा है उसको लेकर के भी योगी सरकार इस बार लखपति दीदी योजना को यूपी में व्यापक विस्तार के लिए बजट में प्रस्ताव में शामिल कर सकती है। और इको टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के भी फोकस होगा इस बार। 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बढ़ाने की बात की जा रही है और 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बढ़ेगी उसके लिए बजट इस बार सदन से पास होगा। ये एक बड़ी जो है सौगात होगी उत्तर प्रदेश के लिए कि जैसे बुंदेलखंड एरिया है वहां पे लोगों के लिए मजदूरी तक का भी वहां पे कारोबार नहीं है, ना मजदूर को मजदूरी तक नहीं मिलती क्योंकि वो बहुत बेहद क्षेत्र माना जाता है बुंदेलखंड का एरिया। आप बहुत बेहद बेहतर स्थिति से जान सकते हैं क्योंकि वो मध्य प्रदेश का भी वो क्षेत्र पड़ता है, थोड़ा सा बुंदेलखंड का वो हिस्सा झांसी के आगे अगर देखा जाए उधर वो जो एरिया है बुंदेलखंड का वो उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। तो वहां पे
डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हो रहा है और इसके लिए जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है, वहां पे अब इंडस्ट्रियल कारोबार वहां पे बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल हब बनेगा, इसको लेकर के भी इस बैठक में मंजूरी होगी। 3 इंडस्ट्रियल हब बनाने की योजना सरकार की तरफ से पहले से ही थी, उसके लिए आज बजट जारी हो सकता है। ये एक बड़ी सौगात होगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। इसके अलावा जो गोरखपुर मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो है, उसका सेकेंड फेज का जो बजट है वो सदन से पास होगा, वो सरकार देगी, क्योंकि वहां पे ईएमओ साइन होने के बाद फर्स्ट फेज का बजट जारी किया गया था, काम वहां पे शुरू हुआ था। और मेट्रो को बढ़ाने के लिए भी बजट इस बार योगी सरकार जारी कर सकती है सेकेंड फेज का। तो ऐसे अगर देखा जाए तो जो धार्मिक पर्यटन स्थल है और सबसे बड़ी बात है जहां जहां पर भी धार्मिक पर्यटन स्थल है वहां पे इंडस्ट्रियल हब भी बनाने की कार्ययोजना है। अगर जी बिल्कुल, ये जाहिर है घनश्याम जी, कह सकते हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगेगी जिनकी हमें अचानक बजट सत्र में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका घनश्याम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।